लग रहा है ना देखने में ही कितना यम्मी चीजी पिज्जा। इसे मैंने बनाया है बिना यीस्ट, बिना अवन के, पैन में बनाया है ये। इसमें आपको कढ़ाई में भी बेक करने की जरूरत नहीं है पिज्जा को। बहुत ही टेस्टी बनता है, चीज बिल्कुल परफेक्टली इसमें मेल्ट होता है और नीचे से बेस अच्छे से सिकता भी है और क्रंची भी लगता है। बहुत ही आसान है बनाना, तो चलिए शुरू करते हैं। पिज्जा का डो लगाने के लिए लेंगे मैदा, ये मैंने 1.5 कप मैदा ली है। इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच सूजी, सूजी से पिज्जा का बेस बहुत ही क्रिस्पी बनता है। आधा छोटी चम्मच डालेंगे बेकिंग सोडा, आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। लगभग 3/4 छोटी चम्मच ली है मैंने चीनी, चीनी से पिज्जा बेस का कलर अच्छा आता है और साथ ही साथ टेस्टी बनता है बेस। अच्छे से मिला लेंगे। इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच दही और मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें पानी और सॉफ्ट डो लगाएंगे। ध्यान रखें आप टाइट डो बिल्कुल ना लगाएं पिज्जा बनाने के लिए। पानी मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पर लिया है। पानी डालने के बाद जब डो पूरी तरह से इस तरह गीला हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट डो लगा रही हूँ मैं इस टाइम, तो आप इसको ज़्यादा हाथ से गूथेंगे नहीं, बस थोड़ा सा हाथ से इकट्ठा करेंगे और फिर फोल्ड करेंगे, इकट्ठा करेंगे फिर फोल्ड करेंगे। पिज़्ज़ा का बेस बनाने के लिए डो आपको बिल्कुल परफेक्ट लगाना है। इसके लिए आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो कि वीडियो में आप देख रहे हैं। अभी हमने डो में बिल्कुल भी ऑयल ऐड नहीं किया है। जब डो पूरी तरह से कंबाइंड हो जाएगा तब ऑयल इसमें लगाएंगे। तो हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लेकर डो में लगाएं और जैसे पहले मैंने बताया था उसी तरह से डो को आप गूंथें फोल्ड करते हुए। 1 छोटी चम्मच, लगभग 1 छोटी चम्मच ऑयल का यूज़ करें डो को गूंथने में, इससे भी ज़्यादा ऑयल ना यूज़ करें। लगभग 4 से 5 मिनट के बाद अब आप डो को इस तरह हाथ पर लेंगे और नीचे की तरफ इसे फोल्ड करते हुए गूथेंगे। लगभग 8 से 10 बार इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ऐसा करने से डो में एयर जनरेट होती है और जो हमारा पिज़्ज़ा है वो बहुत ही फ्लफी बनता है। बस डो हो गया है तैयार, इसे ढककर रख देंगे आधा से 1 घंटे के लिए। तब तक पिज़्ज़ा सॉस बना लेंगे। तब तक बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। इसके लिए एक पैन में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल और ऑयल को गर्म होने देंगे। आप चाहें तो मार्केट में मिलने वाली पिज़्ज़ा सॉस या फिर टोमेटो सॉस भी यूज़ कर सकते हैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना पिज़्ज़ा सॉस तो पिज़्ज़ा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। लगभग 2 से 3 कली लहसुन की बारीक कटी हुई डालेंगे इसमें। सॉटे करेंगे कुछ सेकेंड्स के लिए। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। 1 बड़ी चम्मच प्याज डालेंगे इसमें बारीक कटी हुई। सॉटे करेंगे लगभग आधा मिनट के लिए। दो टमाटर डालेंगे इसमें बारीक कटे हुए, मिक्स कर लेंगे। नमक डालेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग। आधा छोटी चम्मच डालेंगे ऑरिगेनो या फिर मिक्स हर्ब्स, आधा छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। अच्छे से मिला लेंगे। साथ के साथ टमाटर को मैश करते रहेंगे। 1/4 कप डालेंगे इसमें पानी और लगभग 2 से 3 मिनट तक इसे पकने देंगे। 2 से 3 मिनट सॉस को मैंने पका लिया। अब इसमें डाल देंगे टोमेटो सॉस लगभग 2 बड़े चम्मच। अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो बिना टोमेटो सॉस के भी बना सकते हैं। पिज्जा सॉस हो गई है बनकर तैयार, इसे ठंडा हो जाने देंगे। आप चाहें तो इसे ज़्यादा अमाउंट में बनाकर फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में। डो को रखे हुए भी लगभग 1 घंटा हो गया है, इसे लगभग 1 मिनट के लिए और गूंथ लेंगे। डो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इतने डो में से 2 पिज्जा बनाकर तैयार करेंगे।
बहुत ही हल्के हाथ से इसकी लोई बनाएंगे, ज़्यादा टाइट टाइट इसको प्रेस नहीं करना है। जिस पैन या फिर तवे पर आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। इसी पैन में बेस को स्प्रेड करना है, तो जो लोई बनाई थी उसको आप अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अच्छे से स्मूथ कर लें पहले, और इसे रखेंगे पैन में, और दोनों हाथों की उंगलियों की हेल्प से इसको पूरे पैन में अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद अब एक फोक की हेल्प से इसमें छेद कर देंगे, जिससे कि पिज़्ज़ा बेस जो है वो सिकते टाइम फूलेगा नहीं। और अब इसे रख देंगे गैस पर और एक साइड से सिकने देंगे इसे थोड़ा सा गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। गैस की फ्लेम को रखेंगे लो। ऊपर की साइड में भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। ऑयल मैंने बहुत कम अमाउंट में लगाया है, आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा लगा सकते हैं। ऊपर से डाल देंगे थोड़े से मिक्स हर्ब्स या ऑरिगेनो और इसे पलट देंगे। गैस की फ्लेम को अभी मैंने ऑफ कर दिया है, क्योंकि अभी हमें इसके ऊपर टॉपिंग भी करनी है। सबसे पहले स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस जो हमने अभी बनाई थी। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके ऊपर डालेंगे चीज़। चीज़ आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं, जैसे कि मोजरेला चीज़, प्रोसेस्ड चीज़, या फिर जो चीज़ स्लाइस आती हैं उनसे भी अच्छा बनता है पिज़्ज़ा। जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो वो चीज़ आप यूज़ करें। पसंद की वेजिटेबल्स लगाएं आप पिज़्ज़ा के ऊपर। मैंने ली है शिमला मिर्च, प्याज और कुछ स्लाइस टमाटर की ले ली हैं, जिससे कि थोड़ा कलरफुल लगेगा पिज़्ज़ा। कुछ ऑलिव्स रखूंगी मैं इसके ऊपर। ऊपर से डालें थोड़ा सा चीज़ और इसे ढककर पकाएंगे लगभग 8 से 10 मिनट तक, जब तक कि चीज़ पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए और नीचे से जो बेस है वो अच्छा गोल्डन और क्रिस्पी ना हो जाए। गैस की फ्लेम को रखेंगे आप बिल्कुल लो, जिससे कि पिज़्ज़ा अच्छा क्रिस्पी सिकेगा नीचे से। लगभग 7 से 8 मिनट के बाद चीज़ पूरी तरह से मेल्ट हो गया है और पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। सर्व करते टाइम आप इसके ऊपर थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग या फिर ऑरिगेनो डालें और चिली फ्लेक्स डालें और गर्मा गर्म सर्व करें। देखिए, आपके घर पर सभी को बहुत पसंद आएगा। एक बार ज़रूर ट्राई करें ये तरीका, पिज़्ज़ा बनाने का बहुत ही आसान है। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।